हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ 7D एक्सरसाइज। ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। इसमें हमें करना क्या है, जैसे किनारे वाले नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, किनारे वाले नंबर्स का आपने मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या होता है, 6x2। क्लियर, क्या आया, प्लस 6x2, और इसके मिडिल में क्या लिखा हुआ है, 5x। तो हमें देखिए 6x2 को ऐसा ब्रेक करना होता है कि उस नंबर का ऐड बीच के नंबर के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन हमेशा इसके बराबर हो। ठीक, अब 6x2 को ऐसा ब्रेक करिए दो नंबर्स में कि ऐड करने पर वो 5x आए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 6x2 आए। तो देखिए 3 2 6, अगर 3 2 6 हम करें तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, x का मल्टीप्लाई x2 आ जाएगा, और ऐड करेंगे दोनों को 5x आएगा, 3 और 2 5x। क्लियर, विद साइन सेम आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर में ब्रेक हो गया ये। अब दो दो के पेयर बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए, x2 + 3x में x कॉमन, x+3, यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ से x बचा प्लस 3 2 6, और फिर यहाँ से x+3 बाहर आ जाएगा, तो x+2 एक ब्रैकेट में आ गया, ये आंसर। क्लियर, तो 1 to 7 सारे क्वेश्चन ऐसे ही। फिर आइए 8 8 to 21, सारे क्वेश्चन सेम। तो 8 नंबर देखिए, q² - 10q + 21। अब देखिए 21 और q² का मल्टीप्लाई तो क्या है, 20 + 21 q². अब इसको दो नंबर्स में ब्रेक करिए कि -10q के बराबर हो ऐड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 21 है। तो देखिए -7q - 3q का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 j 21, -+q² आ जाएगा। ठीक, और इनको ऐड करते हैं तो -10q आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आपको क्लियर करना होगा हमें कौन सा पेयर बनाना है कि उनको ऐड करने -10q आया और मल्टीप्लाई करने पर 21q² आए। हमें से साइड वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, दो दो का पेयर बना लीजिए, q² - 7q में q कॉमन, q - 7 आ गया, यहाँ से -3 कॉमन, q - 7 आ गया, तो q - 7, q - 7 कॉमन हुआ तो यहाँ से q - 3 आ गया, q - 7 q - 3 इज़ ए फैक्टर। क्लियर, 17 और देख लीजिए, x² + 5x - 104, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो क्या है, 104x² प्लस में, लेकिन उसको ब्रेक करना है कि प्लस 5x आया प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर यही आना चाहिए। तो देखिए +13x - 8x, अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 8 104 + -104x² आ जाएगा, जो इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, और ऐड करेंगे 13x और -8x को ऐड करेंगे प्लस 5x आ जाएगा। क्लियर, दो दो के पेयर बनाए, x कॉमन x+13, -8 कॉमन x+13, फिर x+13 कॉमन x-8। क्लियर, ये आंसर। तो 21 तक सारे क्वेश्चन 8 और 17 के तरीके ही। ठीक है, अब आइए 22, क्वेश्चन नंबर 22 से 22 23 24 25 26 27 28 28 तक सेम क्वेश्चन है। क्लियर, तो देख लीजिए इनको भी, 77p² का मल्टीप्लाई किए, 77p² आया, उसको ब्रेक करना है तो 11 7 j 77, माइनस में आया, ऐड करने पर देखिए इसको माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में ऐड करने पर -4p आएगा, दो दो के पेयर बनाए फिर कॉमन ले लिए तो p-11 p+7 इज आंसर। क्लियर, आइए 29, अब देखिए 22 से 28 तक सेम क्वेश्चन थे, 29 to 34 35 35 तक सेम क्वेश्चन। ठीक, 29 देख लीजिए, 3x² + 10x + 8, फिर वही काम, 3x² का 8 में मल्टीप्लाई किए, 8 3 j 24x², और 24x² को ऐसा ब्रेक करो को प्लस 10x आ जाए, तो 6 और 4 दोनों को प्लस में लिख दिया, 6x 4x, 6 4 j 24x² ऐड करेंगे 10x आ जाएगा। ठीक, दो दो के पेयर बना लिए, यहाँ 3x कॉमन इन दोनों में, x+2, यहाँ से 4 कॉमन x+2, x+2 3x+4 इज फैक्टर,
33 देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, 10 6 60 60 P² माइनस 60 P² आ रहा है, लेकिन ऐड करने पर प्लस 11 P चाहिए, मतलब 15 को प्लस में कर दीजिए क्योंकि प्लस में हमें चाहिए 11 P, 15 P माइनस 4 P, क्लियर। दो दो के पेयर बनाए 3 P, यहाँ से बच गए 2 P प्लस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन तो 2 P माइनस 5, 2 P प्लस 5, 3 P माइनस 2, 3 P माइनस 2, ये दो फैक्टर्स। वेक 37 देख लीजिए, 3 + 23Z माइनस 8Z², तो प्लेन वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई किए, 8 3 = 24 माइनस 24Z² आ रहा है। अब उसको हमें ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि प्लस 23Z आ जाए, तो 24 1 = 24 होगा माइनस में, ठीक। 24Z को प्लस कर दीजिए, माइनस जेड कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24Z² आ जाएगा, ऐड करेंगे प्लस 23Z हो जाएगा। दो के पेयर बनाए यहाँ 3 कॉमन 1 + 8Z, यहाँ माइनस 8Z कॉमन एट 1 + 8Z, 1 + 8Z 3 माइनस जेड इज आंसर, क्लियर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे अब आपके। थैंक यू बच्चों, 7D आपको होमवर्क में करना है।